हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। तो हमारी जो गाड़ी है वो ये है, आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग देने वाली। तो हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ में, उनसे उनका नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें अपन जान लेंगे। हेलो ब्रदर, आपका क्या नाम है? राहुल खंडेलवाल। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? 11th डे। और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम तो किसी भी चीज़ में नहीं आ रही है, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं। थैंक यू। चलो तो ठीक है, अपन सारी चीज़ें वापस से स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। तो आप गाड़ी का ओवरऑल साइज़ देख लीजिए कि गाड़ी का क्या साइज़ है, लेंथ पता होनी चाहिए और कितनी लंबी है आगे से बोनट, कितना लंबा है ड्राइवर सीट से, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने पहले कभी गाड़ी चलाई है? नहीं चलाई? नहीं, पहले नहीं चलाई थी, आप ही से सीखी है, फर्स्ट टाइम ही। ओके, तो आप चलिए अपन सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं अभी। दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले अपन को क्या है कि प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन होनी चाहिए, जजमेंट होना चाहिए कि हमारी गाड़ी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, एक एस्टिमेट होना चाहिए, मैप होना चाहिए माइंड में कि उसके आधार पे हमारी गाड़ी चलेगी। अब कई लोगों को लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं होता, कई लोगों को फ्रंट साइड, फ्रंट वुड जो होता है बोनट का जजमेंट नहीं होता, कई लोगों को पीछे से कितनी लंबी है उस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार क्या है, आपको गाड़ी को एक राउंड मार के देख लेना जो भी गाड़ी चला रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि क्या लेंथ है, उसके आधार पे हम गाड़ी चलाएं, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, ये सारी चीज़ें, कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, कितनी हाइट है ऊपर से, तो ये सारी चीज़ें। तो गाड़ी चलाने से पहले आपको बंद गाड़ी में, घर की गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में गियर की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए सबसे पहले, कि क्लच दबा के आप 5 से 10 बार गियर लगा लो, इस कदर लगा लो कि आँख बंद करके भी लगा सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी क्लच दबा के खड़ी गाड़ी में, इंजन स्टार्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अपन गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक सेंस भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को गाड़ी चलानी आती है लेकिन वो टकरा जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कब रुकना है, कब चलना है। तो ये सारी चीज़ें, तो लेफ्ट हैंड नज़दीक से लेना, राइट लंबा लेना है, चलने से पहले हमें साइड व्यू मिरर्स वगैरह में चेक करना है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, बिगड़ देखे ही चल पड़ते हैं आधे जो भी न्यूली ड्राइवर है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, गाड़ी के कागज़ पूरे हैं नहीं है, हमें ये सारी चीज़ें भी चेक कर लेनी चाहिए। और हेडलाइट्स वगैरह, इंडिकेटर वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, रेडिएटर में पानी है, बैटरी ओके है, ये सारी चीज़ें, इंजन ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें। वैसे आजकल की गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं लंबा जा रहे हो तो आपको चेक कर लेना है। और टायर में एयर इन्फ्लेशन जो होता है, अंडर इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। अंडर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अपने जो टायर के शोल्डर्स हैं वो वियर, वहाँ पे वियरिंग ज़्यादा आएगी, और ओवर इन्फ्लेशन में जो है वो सेंटर से वियरिंग ज़्यादा आएगी। तो टायर में जो है 32 PSI ही एयर प्रेशर होना चाहिए, कोई पंचर तो ना हो। अंडर द कार गाड़ी के नीचे देख लेना है, गाड़ी के आगे देख लेना है चलाने से पहले कि कहीं मैं चला रहा हूँ तो कहीं पे कोई आगे बैठा तो नहीं है, पत्थर ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए कि क्लियर है, ऑल क्लियर है। फ्रंट विंडशील्ड क्लीन होनी चाहिए चलाने से पहले, कई लोग उसमें विज़न क्लियर नहीं आ रहा तो आपको परफेक्शन नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए। तो जल्दीबाजी नहीं करनी गाड़ी चलाने के लिए, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है आपको कि दुर्घटना से देर भली, जो जल्दी करेगा वो टकरा जाएगा। तो ठीक है, अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो जो स्टेयरिंग व्हील होता है उसको क्लॉक में 9 और 3 की जैसे होल्ड करना है, और ये राइट लेफ्ट लेने के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, नीचे अपने 3 पेडल्स होते ही हैं, ये गियर लीवर हो गया और ये हैंड ब्रेक हो गया। गियर हमारे डिपेंड कर रहे हैं स्पीड पे कि हम जैसे 0 से 10 तो फर्स्ट गियर चलेगा, जैसे 10 से ऊपर सुई जाएगी तो हमें सेकेंड गियर लगा लेना है। ये जो बीच की लाइन होती है न्यूट्रल लेन होती है, फिर सेकेंड से थर्ड, जब अबाउट 20 जाएगी तो थर्ड लग जाएगा, और फिर 30 से ऊपर जाएगी तो फोर्थ लग जाएगा। फोर्थ गियर चलेगा अपना 30 से 60 तक चलेगा ये, और 60 से ऊपर हमारा फिफ्थ गियर लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, गियर वगैरह। तो अभी इंजन स्टार्ट करते हैं, और इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा क्लच दबा के और पाँव ब्रेक पे लेके। तो अभी इंजन स्टार्ट करने से पहले हमें सीट बेल्ट वगैरह इन्होंने लगा ली है,
साइड व्यू मिरर्स वगैरह सेट हैं, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। तो अभी इंजन स्टार्ट करेंगे, सेल्फ लेंगे, बस अब दोबारा रिटेक करो। ये लाइटें बंद हो जाएगी इंजन स्टार्ट होने के बाद में, और एक बार और सेल्फ लो, छोड़ दो, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक आरपीएम निडल भी होती है जिससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी लगाओ फर्स्ट गियर लेफ्ट करके, गुड। हैंड ब्रेक ऑलरेडी हमने डाउन कर दिया है, साइड व्यू मिरर में देख के फिर मूव करेंगे हम। ओके, परफेक्ट है। सेकंड लगा लीजिए, रेस छोड़ो, एक्सीलेटर ड्रॉप कर देना। अभी नया स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, जब भी वो क्लच दबाता है तो एक्सीलेटर नहीं छोड़ता है, तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी हम एक्सीलेटर का यूज़ ले रहे हैं तो क्लच का कोई रोल नहीं है, और क्लच का यूज़ ले रहे हैं तो एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है। गुड, वेरी गुड। और साइन बोर्ड्स वगैरह को देखते हुए चलना है, हॉर्न दे दो। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड आ रहा है, मतलब रास्ता है कट्टे, पाँव ब्रेक पे ले लो कुछ समय के लिए, अब ले जाओ वापस, ताकि रूटीन में रहे। अभी नैरो है, पीछे से भी गाड़ियां आ रही है, दोनों तरफ से व्हीकल्स हैं, निकल जाने दो, अब इजी गोइंग है। आगे कट है, क्रॉसिंग है, तो पाव ब्रेक पेडल पे आ जाएगा अपना, जब तक हमें विजन क्लियर नहीं आ जाए, क्लियरेंस ना मिल जाए, स्लो करो। चलो अब ऑल क्लियर है तो हम चल सकते हैं, इजी गोइंग है। तो साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हुए चलना है, सबको अंधा मानते हुए चलना है, किसी से एक्सेप्टेशन नहीं करनी है कि ये देख रहा है ये रोक लेगा, पाउन ब्रेक्स पे रहेगा और हॉर्न देंगे। ब्लाइंड टर्न्स है, जितने भी गली मोड़ किराए चौराहे होते हैं, इन सब पे हमें हॉर्न वगैरह देना है, और राइट लेफ्ट चेक कर लेना है, और पाउन ब्रेक पेडल पे ले लेना है। नए स्टूडेंट की क्या टेंडेंसी होती है, वो रेस ही दबा देता है एक्सीलेटर ही, जब कोई सामने आता है तो हॉर्न दो, छोड़ो ब्रेक छोड़ो। हाँ सही है, परफेक्ट है। गियर भी डाउन, जब गाड़ी स्लो होगी तो गियर भी सेकेंड आ जाएगा थर्ड से, गुड। पहले पूरा क्लच छोड़ना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में राइट इंडिकेटर जलाओ, ऑन करो, लगाओ थर्ड, लगाओ, परफेक्ट है। चलो पीछे मिरर में देख ही लिए आप, गुड। क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, और स्लो करो, सही है। सेकंड गियर लगा लो आप थर्ड से, छोड़ो ब्रेक, सही है, परफेक्ट है। दोनों तरफ देख लेंगे, सीधी करो, रेस मत लेना अभी एक्सीलेटर, अब क्लच छोड़ो पूरा, चलो सही है, आराम से। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगा दो, चलो। तो हमेशा टर्न्स वगैरह के सामने पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना है, ताकि ब्रेक ही लगे, एक्सीलेटर नहीं दबे। क्लच पूरा छोड़ो, और नए स्टूडेंट के क्लच को भी पूरा नहीं छोड़ते हैं, तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, इससे फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा और क्लच प्लेटें हमारी गाड़ी की जल जाएंगी। कट है इसलिए हम हॉर्न वगैरह दे रहे हैं, बिल्कुल। आराम से निकल जाएगी, पीछे देखते रहना थोड़ी थोड़ी देर में कि कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन निकल रहा है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको सेफ रख सकते हैं, आपकी ड्राइविंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हमेशा आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, सिग्नल्स वगैरह को फॉलो करना है, इनमें लापरवाही नहीं बरतनी है आपको कभी भी। तो हर कट के सामने पाव ब्रेक पे ले लेना है, जैसे पाव ब्रेक पेडल पे ले लो, देख लिया हमने ऑल क्लियर है, कोई नहीं है, आप चल सकते हैं। एक मोमेंट के लिए आ जाए, अभी पीछे देखो गाड़ियां वगैरह है तो साइड दे देंगे उन्हें, अपन लेफ्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में मिरर में देख के, और इंडिकेटर का भी यूज ले सकते हैं। आगे से अपन लेफ्ट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर ऑन कर लो, इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले ऑन करना है, ऐसे नहीं सडनली कर रहे हैं। क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, और थर्ड से सेकंड गियर लगा लो, बिल्कुल सही है। पीछे मिरर में देख के फिर टर्न करना करो, लेफ्ट नज़दीक से लेते हैं, हाँ गुड। अभी सीधी कर लो, अभी इतना ही, वापस मोड़ो, चलो परफेक्ट है। ऑन दे दो पहले, नैरो है गली तो इसमें, सही है, निकल जाएगी आराम से, इजी गोइंग है। स्पीड ब्रेकर पे हमें गाड़ी को स्लो कर लेना उसके इंपैक्ट से बचने के लिए, चलो ऐसे में डीपर देंगे, आगे भी गाड़ी आ रही है, बस रोक लो, लेकिन हमें इधर ही, उसके लिए उधर स्पेस छोड़ देंगे हम। हाँ अभी फर्स्ट गियर लगा लो, बिल्कुल, चलो क्लच छोड़ के, सही है। तो एक ही गाड़ी आने की जगह वो तो आपको डीपर दे देना, ताकि वो गाड़ी वहीं रुक जाए, गुड, सेकंड लगा लिया, परफेक्ट है। पीछे
फिर या तो हम रोक लेंगे, अभी गाड़ी आ रही है वो ही रोक लिया, तो और डीपर देख के कन्फर्म कर दो, अगला गाड़ी वाला इंटेलिजेंट है तो उसने रोक लिया है तो हम जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाड़ी को रोकने से पहले क्या क्या चीजें करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। लेफ्ट इंडिकेटर सही है, अभी रोकेंगे तो क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो अपना, है ना, साइड दबा लेंगे, आगे वैन भी आ रही है थोड़ा आगे ले लो इधर, नहीं तो फंस जाएगी, और ले इधर पेड़ के इधर ले लेंगे, और छोड़ो क्लच, अब लेफ्ट दबाओ स्टीयरिंग, और काटो और टर्न करो, हाँ और करो, अब सीधी करो और करो, सही है, बस रोक लो, स्टॉप कर लो, न्यूट्रल कर लेंगे सबसे पहले, फिर हैंड ब्रेक विदाउट बटन पहले, अब दोनों पेडल्स फ्री कर देंगे, और अब इग्निशन ऑफ करो चाबी को अपने फेस की तरफ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। ओके थैंक्स।